प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज के इस खूबसूरत दिन में परमेश्वर के वचन से आपके साथ एक वर्स को शेयर करना चाहूँगा जो हमें मिलती है भजन संहिता उसके 66 अध्याय और उसके 20 पद में। वहाँ पर भजनकार इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया और ना ही तूने अपनी करुणा को मुझसे दूर किया। भजनकार यहाँ पर दो बातों के विषय में बताता है। पहला कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता, और दूसरा वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन से दूर नहीं होती है। प्रिय मित्रों, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा? कई बार बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुना कर रहा है या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुन लेता है। लेकिन ये बात सच है कि बहुत बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देता, वो समय लेता है, वो सही समय का इंतज़ार करता है ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख सकें। दूसरी बात यहाँ पर जो भजनकार बताता है, वो कहता है कि परमेश्वर अपनी करुणा को हमारे जीवन से दूर नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य परमेश्वर की करुणा पर निर्भर है, और अगर परमेश्वर ने अपनी करुणा को हमारे जीवन पर से हटा लिया तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए भजनकार इस बात को कहता है कि परमेश्वर तूने अपनी करुणा को मुझसे दूर नहीं किया। और यहीं पर परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से हम पर प्रकट किया कि उसकी करुणा 24 घंटे, सातों हफ्ते, पूरे महीने, पूरे वर्ष और हमारी ज़िंदगी के प्रत्येक दिन में हमारे जीवन में होती है। तो आइए हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ सकें और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो सकें, और उसकी करुणा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है उसके लिए उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर हम सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।